तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को ये पता ही होगा कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, और उन वीडियो के कमेंट में इन दिनों ये कमेंट आ रहा है कि सर, हमने काफ़ी समय पहले अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट को डिलीट कर दिया था, मगर क्या हम अपने वापस से वही पुराने ड्रीम इलेवन अकाउंट को वापस से रीएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में एक ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ पर आप अपने डिलीटेड अकाउंट को वापस से रीएक्टिवेट कर सकते हैं, मगर कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं नवलगढ़ चैनल। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट को डिलीट कर लिया था और अब आप चाहते हैं वापस से उस अकाउंट को रीएक्टिवेट करना, तो रीएक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में एक और नया टेम्परेरी अकाउंट बनाना होगा। क्योंकि दोस्तों, जब हम टेम्परेरी अकाउंट बनाएंगे तो हम उस अकाउंट से अपने पुराने वाले अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, और कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपने जो भी टेम्परेरी अकाउंट बनाया है, सिंपली आपको उस ड्रीम इलेवन अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में ऊपर ही ऊपर आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर का आइकन मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट का, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में देखिए, नीचे ही नीचे आपको चैट विद अस करके ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू टैब आएगी, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको प्रोफाइल एंड वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फिर से आपके सामने ऑप्शन आएंगे, तो इस बार नीचे ही नीचे अकाउंट सिक्योरिटी का ऑप्शन है, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर से आपके सामने ऑप्शन आएंगे, तो इस बार आपको क्या करना है, देखिए ऊपर ऊपर रीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए, यहाँ पे कैन आई रीएक्टिवेट माई अकाउंट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैन आई रीएक्टिवेट माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन हाईलाइट होगी, जहां पे लिखा हुआ है श्योर वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट, गो अहेड। यानी कि यहाँ पे हमें अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए एक रिक्वेस्ट रेज करनी होगी, जिसके लिए रेज ए रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और ये आपको आपके मोबाइल के ब्राउजर पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब इसके बाद में ऊपर ऊपर आपको राइट टू अस का ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको क्या करना है, आपको आना है नीचे। तो जब आप नीचे आएंगे, तो नीचे यहाँ पर आपको अकाउंट सस्पेंडेड का ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ईमेल आईडी का, तो यहां पे आपको उस ईमेल आईडी को एंटर करना है जिस अकाउंट को आप रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, यानी कि आपके उस अकाउंट में जो ईमेल आईडी लिंक थी वो यहां पे आपको एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा मोबाइल नंबर का, तो सेम मोबाइल नंबर आपको वही एंटर करना है जो कि आपके अकाउंट से पहले लिंक था, जिसे आप रीएक्टिवेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा सब्जेक्ट का, तो सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना है आई वॉन्ट टू रीएक्टिवेट माई अकाउंट। सब्जेक्ट को टाइप करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ हैव यू डिलीटेड योर अकाउंट थ्रू द ड्रीम इलेवन ऐप, यानी कि आपने अपने अकाउंट को ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के थ्रू डिलीट किया था या फिर नहीं। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यस और नो का, तो सिंपली आपको यस वाला जो ऑप्शन है उसे चूज करना है, क्योंकि हमने अपने अकाउंट को खुद से पहले डिलीट किया था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा पैन नंबर का, तो आपका जो भी पैन नंबर है जो कि आपके पहले ड्रीम इलेवन अकाउंट से लिंक था, जिसे आप रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, उस पैन नंबर की डिटेल को यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा डिस्क्रिप्शन का, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे आपको फुल्ली डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है। यहाँ पे आपको टाइप करना है कि सर, मैंने पहले एक अकाउंट बनाया था जिसे मैंने खुद से डिलीट किया था, यह है मेरे अकाउंट की डिटेल, और अब मैं वापस से अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करना चाहता हूँ और आगे कंटिन्यू गेम खेलना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन टाइप कर देना है, और जो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है जो कि आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन टाइप करने के बाद में आपको नीचे आना है, आपको ऑप्शन मिलेगा प्रीफर्ड लैंग्वेज का, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी चूज कर लिया है। फिर आपको नीचे आना है, नीचे आपको क्या करना है, आपका जो भी पैन कार्ड है उसकी आपको मोबाइल के कैमरे से फोटो क्लिक करनी है, और उस पैन कार्ड की जो फोटो है यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, जो कि आपके पहले अकाउंट से भी लिंक था, ये जरूरी है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पैन कार्ड की जो फोटो है उसे क्लिक करके रखी हुई है, तो चलिए मैं इसे अटैच कर देता हूँ। फोटो अटैच करने के बाद में नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है जो कि हाईलाइट हो जाएगा, और इस सबमिट के बटन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही आपकी जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपको वेट
डिलीट करना है, आपको एक ईमेल आएगा ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन की तरफ से, जहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है टिकट आईडी है वो देखने के लिए मिलेगी, और उस टिकट आईडी से आप अपनी रिक्वेस्ट का जो स्टेटस है वो पता कर सकते हैं। मगर कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है। और फिर इसके बाद में आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, 7 से 8 दिन का, या फिर हो सकता है 15-20 दिन भी लग सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको फिर से एक ईमेल आएगा जिसके अंदर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि वहां पे आपको अपने एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। 4-5 डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आपको चूज़ करना है और उसकी जो फ्रंट साइड बैक साइड की फ़ोटो है उसे आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा वो मैच हो जाएगा कि हाँ ये जो आईडी है वो पहले बिलोंग करती थी और आपकी जो आईडी है वापस से रीएक्टिवेट कर दी जाएगी। और इस तरह से दोस्तों आप अपने डिलीटेड अकाउंट को वापस से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। मगर ये जो फॉर्मूला है एक या दो बार ही काम में आ सकता है, अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो आपकी जो आईडी है वो परमानेंट डिलीट की जा सकती है। तो इस तरह से जो भी भाई लोग अपने डिलीटेड अकाउंट को वापस से रीएक्टिवेट करना चाहते हैं और कंटिन्यू ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में गेम प्ले खेलना चाहते हैं तो रीएक्टिवेट कर सकते हैं। रीएक्टिवेशन की कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। सो आई होप की जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं समस्या आती है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मगर भाई साहब आप सभी से निवेदन भी है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही आपको बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑल का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बस आपको उसके ऊपर क्लिक करके सेट कर देना है, क्योंकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो ये फायदा होता है ऑल नोटिफिकेशन का। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।